हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट एडवाइजर। मायसेल्फ गगन वालिया, योर पेट हेल्थ के एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो किटन यानी कि कैट के अंदर वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वैक्सीनेशन जरूरी क्यों होती है। एक्चुअली वैक्सीनेशन उन डिसीज या उन बीमारियों के लिए की जाती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, जिनका कोई इलाज नहीं होता। उनका वन ऑफ द एक उनका इलाज है, वो है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन कैसे किए जाएगी? वैक्सीनेशन से। तो वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ह्यूमंस हों, चाहे वो कैट्स हों, चाहे वो डॉग्स हों। तो आज हम जो किटन के अंदर या कैट के अंदर जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन की जाती है और कब कब की जाती है। तो सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन करने से पहले एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना है, वो है डीवॉर्मिंग। हमें सबसे पहले अपने जो किटन है या जो छोटी किड्स को कैट है, जो किटन कह देते हैं, उसकी हमें सबसे पहले डीवॉर्मिंग करनी है। जब उसकी एज 30 डेज की होगी तो हमें उसकी डीवॉर्मिंग करनी है। अब डीवॉर्मिंग के लिए हम क्या दें, क्या कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन, क्या चीज़ है? तो डीवॉर्मिंग के लिए टैबलेट दी जाती हैं। मैं दो टैबलेट आपको बता देता हूँ, उनमें से कोई भी टैबलेट आप अपनी किटन की डिवॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट का नाम है इपराज, ठीक है? ये देखिए स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो भी आ रही होगी, आप देख सकते हैं। ये टैब वन टैबलेट पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। मान लो आपके किटन का वेट 2 kg है या 3 kg है या 5 kg है, तो उसी हिसाब से उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक और टैबलेट मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजिसम प्लस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसकी फ़ोटो भी आ रही होगी। ये भी पर टैबलेट 10 kg बॉडी वेट पे यूज़ की जाती है। इन दोनों ही टैबलेट में से कोई भी टैबलेट आप अपने किटन की डिवॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी क्यों है? अगर आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो आपको जो वैक्सीनेशन है वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो उसके बाद हम वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। तो जो पहली वैक्सीनेशन है वो जो किटन को 6 week की जब उसकी एज हो जाएगी तब लगाई जाती है, उसका नाम है फेलिजन CPR। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसकी फ़ोटो मैंने डाल दी है, फेलिजन CPR है। ये वैक्सीन 6 week की जब उसकी एज होगी तब आपको ये वैक्सीन करनी है। उसके बाद इसी वैक्सीन का आपको एक बूस्टर डोज भी लगाना है। सेम वैक्सीन 21 डेज के बाद आपको बूस्टर डोज लगाना है फेलिजन CPR का। और उसके बाद जब वो 3 months की एज की हो जाएगी फिर उसकी रेबिस की वैक्सीन की जाएगी। रेबिस की वैक्सीन अलग अलग नाम से आती हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेबिजन है ये रेबिस की वैक्सीन है, इससे आप डॉग अपनी किटन को वैक्सीन कर सकते हैं। ये 3 months की एज पर लगेगी। उसके बाद ये 6 months की एज पर रिपीट की जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फेलिजन CPR 6 week की एज पर लगेगी और उसके 21 डेज के बाद उसकी बूस्टर वैक्सीन वो रिपीट की जाएगी। उसी हिसाब से जो रेबीज की वैक्सीन है, जो रेबीजन है, वो 3 months की एज पे फर्स्ट डोज लगेगी और उसके बाद 6 months की एज पे उसकी बूस्टर डोज लगेगी। उसके बाद जो ये फेलिजन है और ये रेबीजन है, ये एनुअली आपने एक बार लगानी है। जैसे फेलिजन CPR जिस जो बूस्टर डोज जिस तारीख को लगी थी, सेम उसी तारीख को नेक्स्ट ईयर आपको उसको रिपीट कराना है। उसी हिसाब से रेबीजन के जो सेकंड जो बूस्टर डोज लगी थी, जिस डे को लगी थी, उस डे को नेक्स्ट ईयर आपको उसको दोबारा रिपीट करना है एनुअली। तो ये मात्र 2 ही वैक्सीन हैं जो कैट्स में करी जाती हैं। आई होप आप सबको हमारा ये YouTube चैनल अच्छा लगा होगा और आप इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू ऑल एंड कीप लविंग योर पेट्स।